आ गई वो मार्केट में और पहले ना कपड़ों वाले शॉप इसको ना अभी प्रेस नहीं कर रखा इसलिए ऐसा लग रहा है। ये देखिए दो बच्चे स्विमिंग करते हुए। इस रात के ना 11 बज रहे हैं और ना पहले हमें अंदर स्मेल आई कुछ जलने की, फिर हम बाहर आए। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी ना इवनिंग के 4:30 हो रहे हैं और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है, बट ना मुझे जाना है मार्केट शॉपिंग करने के लिए क्योंकि डे आफ्टर टुमारो ना मेरे बेटे का बर्थडे है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है और उसके बाद मैं सोच रही हूँ ना आपको कहीं घुमाने भी ले चलूँ, तो देखते फिर कैसा होता है। चलते हैं सीधे। निकल गए हम लोग घर से और मेरे साथ हर्षु भी है। तो मार्केट में ना आज काफ़ी चहल पहल है, चलो फिर अब उतरते हैं यहाँ। तो आ गई वो मार्केट में और पहले ना कपड़ों वाले शॉप में चलते हैं, आदि के लिए ना कुछ कपड़े ले लेते हैं। तो ये है बागेश्वर की मार्केट। तो मार्केट में अंदर आ गए हैं, आदि के लिए कुछ ले लेते हैं। यहाँ ना मुझे बहुत सारे ट्राउजर जीन्स भी दिख रहे हैं, ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, ग्रे, लेकिन ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लूँ। तो एक जीन्स तो मैंने सेलेक्ट कर दी है, अब शर्ट में ना इन तीनों से मुझे सेलेक्ट करना है, तो आप भी कमेंट करना इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आदि के लिए ना हमने कपड़े तो ले लिए हैं, आप लोगों को ना घर जाके दिखाएंगे, अब ना एक और शॉप में चलते कुछ और लेना है। सर देखिए कैप्स पड़ी हुई है, कुछ हमें नॉर्मल चाहिए और एक बर्थडे बॉय के लिए, और इस साइड केक, और ये देखो सब डेकोरेशन का। तो ना हमने बजट के लिए भी उसके ले ली है डेकोरेशन के आइटम, और देखो अंधेरा भी होने लग गया है, जाने लग गए वापस। नमस्कार भैया, बहुत जीते रहो, कैसे हो? बस बढ़िया है। हैप्पी होली आपको। आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई है। आप दिख ही रहे थे सोशल मीडिया में, खूब छाए हुए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा रहा होली? बढ़िया रही? सब बढ़िया रही। और भाभी भी खूब बने थे, वो भी खूब छाए थे, वो भी बिल्कुल बिल्कुल Feel the fire. तो guys, अभी हम ना पहुंचे हैं बिलोना, बागेश्वर एरिया में ही आता है और यहाँ की लोकेशन ना बहुत प्यारी है। तो गर्मी आ गई है, इसका सबूत देखो वहाँ ना छोटे छोटे बच्चे नहा रहे, भी जूम करती हूँ। ये देखिए दो बच्चे स्विमिंग करते हुए। पहाड़ के बच्चों को ना स्विमिंग सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नदी में ही तैरते तैरते खुद ही आ जाते हैं इनको तैरना। तो देखो हर्षु जब तक है कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही बने हुए हैं। हर्षु जी मोबाइल बिजी है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हम लोग जाने लग गए घर को। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये है तहसील रोड बागेश्वर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पेंटिंग, ये सब बागेश्वर में जो जो प्लेस है ना वो दिखाया गया है। लास्ट वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो अब ना मैं सब्जी के शॉप पे उतर गई हूँ, यहाँ पे ना सब्जी ले लेते हैं क्योंकि आज शाम के लिए ना सब्जी भी नहीं है। नमस्कार, और ठीक हो? हाँ, तो ये देखो फ्रेश फ्रेश। हाँ, तो आ गई हूँ मैं हर्षु की दुकान में। तो गाइस ये रहे उगल, सोच रही हूँ उगल ले जाओ, कल दिन के लिए हो जाएगा। तो रात के लिए ना गाइस मेथी ले जाते हैं, देखिए रश तो लगी रही है फिर। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर और ना मेरे दोनों हाथ बिजी है, एक में सब्जी और एक में जो मैंने आइटम पहले लिए थे। तो घर आके ना मैंने चेंज कर लिया है और अब फटाफट ना सब्जी चढ़ा लेती हूँ, पहले चाय बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया ना, फटाफट खाना बनाती हूँ, आई मीन सब्जी। तो वैसे तो मैं और सब्जी भी लाई हूँ लेकिन देर बहुत होगी ना, इसलिए मटर फ्रिज में मैंने छिलके रखे थे, मटर आलू मटर बनाती हूँ। मैंने ना दिन में भी कुछ क्लिप्स बनाई थी और हमने सफाई की थी, वो भी आप देख लीजिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्वच्छता अभियान करने के लिए, सफाई करने के लिए। लेट्स गो, आओ जल्दी आराम से आओ। तो गाइस आज हम आए हैं नीचे और नीचे के कुछ रूम है ना हमारे, इनकी सफाई करनी है, फिर इनको किराए पे लगाएंगे। चलो फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। रूम में देखो कितना कूड़ा फैला हुआ है, और ये देखो हमारे साथ ना महारथी लोग भी आए हैं, पता नहीं है खाली आए हैं साथ देने आए हैं या फिर हम एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं। और मेरा बेटा करेगा सफाई। इस रूम में तो खाली एक बेड लगा हुआ है और ये है किचन। दो उठाओ, हल्का है। कोई बात नहीं, इतना मेरी जिनी है, इतना तो हल्का है। कोई बात नहीं, इतना अभी एक हाथ से उठा दे। क्यों नहीं, हाथ अभी तो लग रही हो। क्यों नहीं, काम कर रही है तभी तो। गाइस देखिए सफाई चल रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के चक्कर में उठा है बस। तो देखिए इधर से फ्लाई रखते हैं, ये दूसरा वाला रूम है सिंगल वाला, ये भी नहीं लगा के लाए हैं। से हेलो गाइस, हेलो गाओ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody
भैया वो बैटरी और क्या बोलते हैं ओवन, ये चीजें किसने रखी हैं? ये मैंने रखी गाइस। ये चीजें उठा के यहाँ पे किसने दी है तुम्हें? ऐसा करते हैं ना, जो ये बिलचा है ना, इसे बिलचा, इसे बिलचा कहते हैं। बिलचा बिलचा इसे फड़वा कहते हैं। बिलचा कहते हैं, फावड़ा अलग होता है, फावड़ा नहीं होता, फावड़ा होता है, फड़वा नहीं, फड़वा नहीं फावड़ा। तो इसे ऐसा करते हैं, इसे रखते हैं मेन दरवाजे पे यहाँ पर। अच्छा ऐसे ठीक है। और पहले भेजना किराएदार है, आगे वो आए साड़ी के सीधे मुंह पर पड़े। क्यों नहीं, ये इतना हल्का है। चाची तुमने कितना वो लगन लग रहा है, कितना भारी लग रहा है तुमने। तुम ऐसे उठा के ला रहे थे इसे, तुम्हें दो हाथ में ऐसे ले आ गए, एक दो उंगली में। क्यों भी मेरे वाले भारी थे, ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं, ये है तुम्हारे वाले ही। ये भी भाई लाए हो, यहाँ देखो यहाँ कैमरा। ओह ओह, ये हम लेके आए हैं, तुम आए हो, हम बस साफ सफाई कर रहे हो। नीचे से ना सफाई करके आ गए हैं, अब फटाफट ना लंच बनाती हूँ, लंच अब तक नहीं बना रखा है। और एक और चीज आप लोग को मुझे दिखाना है, मेरी भाभी ने ना मेरे लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट भेजा है, तो वेट कीजिए। कुछ ऐसा है मेरा ड्रेस, इसको ना आयन करना है अभी, इसमें आयन नहीं हो रखी है। और इसका बॉटम वेयर भी दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए ये है इसका बॉटम वेयर, तो पहनते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है मेरा ड्रेस, इसको ना अभी प्रेस नहीं कर रखा है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो कॉमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है? मुझे ना ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा है, मेरी भाभी रहती है दिल्ली में, उन्होंने मेरे लिए भिजवा रखा है। आप लोग भी कमेंट करना आप लोग को कैसा लगा। तो इस रात के ना 11 बज रहे हैं, और ना पहले हमें अंदर स्मेल आई कुछ जलने की, फिर हम बाहर आए और चेक कर रहे हैं कि कहाँ से आ रही है जलने की स्मेल। देखिए इस साइड से कहीं जलने की आ रही है स्मेल, पता नहीं क्या जल रहा है इधर, समझ ही नहीं आ रहा। उस साइड नदी है ना हमारे घर के आगे, सरयू नदी, वो उधर पता नहीं क्या जल रहा है उधर। अंदर चलते हैं, सब सेफ है, हमें लगा क्या पता किसी के घर के आसपास कुछ ना। ड्रोन चला के देखो तो हमारे जासूस ड्रोन को भेजो क्यों चल रहा है अभी मेरा दिमाग ठीक है कई बच्चे सो चुके, हमने अंधेरा कर रखा है। और आजकल चल रहा है आईपीएल फीवर, देखो गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल ना मैंने आप लोगों को शॉपिंग नहीं दिखाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, और उसके बाद नविया को सोने लग गई थी तो लाइट वाइट सब बंद कर दी थी ना, तो कैसे दिखाते। तो चलो फटाफट ना शॉपिंग देख लेते हैं। तो उतना ज्यादा सामान नहीं लाई हूँ, एक ये देखिए बर्थडे कैप है, और ऐसी कैप्स है औरों के लिए भी और बच्चों के लिए। एंड ये है बलून्स, और ये देखिए बड़े बलून्स है दो, और इसमें ये डालने के लिए अभी तो बस इतना ही लाई हूँ फिर मैं। और बाकी केक ना आज लाएंगी, केक और भी चीजें, और एक कैंडल भी लाई थी मैं जितना एज है उसका। और आपको ना फटाफट ना उसके वो दिखा देती कपड़े बर्थडे बॉय की। तो आदि के लिए ना एक मैंने देखो ये ली है व्हाइट शर्ट, मुझे ना ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और एक ब्लैक ट्राउजर ले रखा है वो भी दिखाती हूँ। तो व्हाइट के साथ ब्लैक ट्राउजर मैच करके मैंने ये ले रखा है, क्योंकि ब्लू ना उसके पास काफी हो गई थी, और चेक में शर्ट्स थी और टी शर्ट मेरा मन नहीं किया उसके लिए लेने का। तो ये थी शॉपिंग बस। अब समय आ गया कि मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूं, क्योंकि इसके बाद ना भी आदि के स्कूल जाना है, और अभी 9:30 बजे, मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया है ना, तो पता नहीं उसका रिजल्ट कैसा होता है, तो आप लोग को भी कल पता चलेगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना साफ सफाई रखिए, फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।